पाना चाहते हैं और किसी रूप में नहीं। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम लोग ब्रज में सबके सब जाओ, ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। और जिस समय भगवान राम जब गए, कहाँ पर गए, जनकपुरी में, इतने में राम लक्ष्मण बोले बस विश्वामित्र को, गुरु जी थोड़ा आदेश दे दो, ये जनकपुरी हम तुका दर्शन करके आए। बोले दर्शन नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम और लक्ष्मण एकदम कितना उम्र, एकदम किशोर उम्र में, बड़े सुंदर, एक पीताम्बर एक नीलाम्बर, दोनों के हाथ में धनुष, बड़े सुंदर, मानो एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हुए। क्या उनकी चाल है, हैं? क्या 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 चाल उनकी है, क्या चाल साल अलवेली है, गजराज चले मस्त मस्त हैं। इसलिए जैसे हाथी चलते हैं ना, दोनों भैया जब चल रहे थे, इतने में ही जो एक बार देख लिया, एकदम हल्ला मचा दिया पूरा जनकपुरी में, क्या दो सुंदर बालक, हमने कभी देखा नहीं। ये नेत्र का जो उत्सव है ना, जब तक ये दोनों को नहीं देखो ना, समझो ये आंखों का सार्थकता है ही नहीं। अभी पूरा जनकपुरी में बोले श्री राम लक्ष्मण की पूरा जय जयकार। और जितने ब्रज की जहाँ पर जनकपुरी की जो किशोरियां थी ना, कुछ छत के ऊपर में कुछ झरकों से सब झांक झांक कर देख रही थी, लेकिन जो नीचे जो थी ना वो तो देख रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर में थी वो तो देख रही थी, लेकिन ये कौन है? राम। बोले राम कौन है? रामचंद्र। राम कौन है? कहती ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। छत से देख रही थी उनको, तो खाली सीढ़ी दिख रहा था, वही तो ना, यही बता रहा। इसलिए उनका क्या बोला, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, ये कभी भी पराई स्त्रियों को कभी भी सर उठाकर कभी उन्होंने नहीं देखे, कभी उन्होंने नहीं देखे। इसलिए उस प्रभु राम, उनका स्वभाव था नीचे देखना, नीचे नीचे देख रहे थे। इतने में जो ऊपर खड़ी हुई थी ना, उनका दर्शन का मतलब सारी दर्शन हो रहा था। इतने में हाँ, उन्होंने ऐसे खांसी, मतलब हो सकता है ऐसे करने पर आता ना, खांसने पर थोड़ी सी सर को ऊंचा करेंगे, साथ थोड़ी सी दर्शन मिलेगा। ऐसे जब किए, अभी तब रामचंद्र ऊपर देखे ही नहीं, लेकिन पीछे कौन चल रहे थे? बोले लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण कौन? बोले गुरु। बोले गुरु का काम किया? बोले जीवों को भगवान से मिलाना है। इतने में लक्ष्मण ने कहा, प्रभु देखो सब भक्त ना आपको दर्शन करने के लिए सब छत से उत्कंठा हो रहे, उनका उत्कंठित हो रहे, एक बार दर्शन दो। राम ने कहा, लक्ष्मण ये जनकपुरी है, मायापुरी है, जनकपुरी नहीं मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, फंस जाओगे, इसलिए देखना नहीं है, इसलिए फंस जाओगे, सर नीचा करके चलो। लेकिन तब भी और भी कर रही थी, मतलब प्रभु थोड़ा ऊपर से, कहते ना वैष्णवे रे आवेदने कृष्ण दया माया, एह न पामर प्रति हावे न सदया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं करता है ना, जब तक गुरु शिष्य के हो करके जब भगवान को प्रार्थना नहीं करते ना ठाकुर, तब तो कृपा नहीं करते हैं। इसलिए वैष्णव रे आवेदन कृष्ण दयामय, जब वैष्णव लोग बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं ठाकुर जी को, फिर जाकर ठाकुर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। लक्ष्मण बारम्बार बोल रहे थे गुरु जी, अभी गुरु जी का बात तो सुनना ही पड़ेगा। इतने में रामचंद्र ने क्या किया, बस थोड़ी सी देखे प्रभु का रूप, देखते ही जितने सबके सब जनकपुरी के जब हाँ जब कुआरिया थी ना, सब सब मूर्छित होकर पड़े, सब मूर्छा हो गए। जब उनका होश आया ना, सब राम को पीछे पड़ गए, हमसे शादी कर ले, हमसे ब्याह कर ले। राम ने कहा, लक्ष्मण तेरे को पहले मना कर रहा था ना, इधर देखना नहीं, अभी तो ब्याह कर, तू ही ब्याह कर। इतने में राम ने कहा, देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय और मैं किसको ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ, तुम लोग सबके सब ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। सबके सब गोपी रूप में आए। और राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, वशिष्ठ बोले पत्नी के बगैर कर नहीं सकते, बोले तुम्हारी पति तो, तेरे पिता तो तीन तीन शादी किया, तू भी और के शादी कर ले, सीता को जंगल में भेज चुके हैं और एक शादी कर ले। बोले नहीं, और सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, हैं? बोले और कोई उपाय बताओ। बोले स्वर्ण सीता बना करके अपना बाम पास में रख करके आप कर सकते, बोले ये तो कर सकता हूँ। गुरुदेव कहते थे, भैया 11,000 साल तक राजत्व किए, हर साल में एक एक सोने की सीता बनती थी और श्री वशिष्ठ जी प्राण संचार कर देते थे, वो साक्षात बन जाती थी। तभी इतने सीता सब गई कहाँ? बोले ये सब के सब द्वापर युग में सबके सब ये गोपी रूप में। इसलिए कहते यहाँ पर जो तपस्या की, कहते जो नित्य सिद्ध गोपी, जो राधा रानी का भी हो,
वो तो नित्य सिद्ध, उनको तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो साधन करके, साधन सिद्ध हो करके, हाँ कहते वस्तु सिद्धि को बाद में, जब उन्होंने स्वरूप सिद्धि को बाद में वस्तु सिद्धि के लिए जो जन्म ग्रहण किए हैं, वो लोग यहीं पर आकर के तपस्या किए। तपस्या जब किए तब कृष्ण संतुष्ट होकर के जिनकी वस्त्र हरण किया, फिर उनको ग्रहण किया, ग्रहण करते हुए फिर तो वस्तु सिद्धि प्राप्त करते हुए नित्य सिद्धा, नित्य सिद्ध सखियों को साथ में रह करके उनको कृष्ण को कैसे प्रेम करते हैं, कृष्ण को कैसे प्यार करनी चाहिए होता है ना, जैसे बच्चे पिता माता को जैसे देखते हैं, उनको देखते देखते सब कुछ सीख जाते हैं, उसी तरह नित्य सिद्धियों को संग से जो साधन सिद्ध थी उनको देख कर कृष्ण को कैसे प्यार करनी चाहिए, कृष्ण को कैसे देखनी चाहिए, कैसे क्या करते 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 बस फिर कृष्ण लीला में उनकी, जब कृष्ण गए फिर चिरकाल के लिए कृष्ण धाम में चले गए। इसलिए यहाँ तक सबको आना पड़ेगा है, इसलिए यहाँ पर पहले है ना, जानते हो गुरुदेव, गुरुदेव पहले जब आए उमा दीदी थी, मैं था, प्रेमानंद प्रभु थे और बन महाराज थे और श्री माधव महाराज थे, ऐसे ही हम चार पांच गुरुदेव सबसे पहले यहाँ पर, अभी तक हमारा कोई पार्टी नहीं आई, सबसे पहले गुरुदेव के साथ में उमा दीदी आई थी, उमा दीदी के साथ में कल चार पांच हम भक्त लोग थे, सबसे पहले गुरुदेव के साथ में हम कहीं पर आए, यहाँ पर बैठ के प्रसाद पाए थे, जो लाए थे प्रसाद पाए थे, और उसमें जो गाड़ी में आए थे, कौन सा गाड़ी, जीप में है, क्योंकि उस समय अभी तो रास्ता थोड़ी सही, उस समय तो और भी गड़बड़ था, कितना साल हो जाएगा, कितना 30 साल हो जाएगी, 30-40 साल ऐसे हो जाएगा। इसलिए गुरु जी के साथ में हमने यहाँ पर आए थे, गुरुदेव सुना था यहाँ पर तपवन कहीं है, लेकिन यहाँ पर कभी आया नहीं, पार्टी नहीं आई कभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आना मुश्किल है। अरे एक सुनो, रामायण रहस्य में लिखा है राम को 8,000 पत्नी था और लक्ष्मण का 16,000 पत्नी, कौन जो आपको हरे कृष्ण नाम मंत्र कीर्तन किया ना, पर कौन है उनको हेड कौन था, उस दिन हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन हुआ था रामायण ना, देखो जो रामायण ना, इसमें तुलसीदास ने लिखा रामायण सत कोटि अपरा, रामायण सत कोटि अपरा, सत कोटि रामायण, लेकिन हाँ उद्भट रामायण में 8,000 पत्नी कहते उद्भट रामायण, दाद जाने तुम्हारे लोग बताया, लोग सुना उसमें, उसमें उद्भट रामायण नहीं प्रभु जी, हमारे जो गौड़ कंठ जो श्लोक है मूल रामायण वाल्मीकि, हाँ इसलिए जो मूल रामायण है, अगर सारे रामायण लेंगे ना प्रभु गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए कहते जो मूल रामायण को लेनी चाहिए, इधर उधर रामायण को रियल रामायण इज द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ओनली दैट इज द मूल रामायण, तुलसीदास भी नहीं।